हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालूज द बुक। और आज मैं आपको घर में पनीर स्टोर करना बताऊंगी। हम बाजार से जब भी पनीर लाते हैं या फिर घर पर बनाते हैं, और अगर पनीर बच जाता है या फिर ज़्यादा होता है, तो हम वरी करते हैं कि कैसे इसको स्टोर किया जाए, फ्रिज में हम इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं। जब भी हम फ्रिज में इसको स्टोर करते हैं तो हमारे साथ दो बातें होती हैं, या तो जो पनीर है उसकी सर्फेस जो है ग्रीन हो जाती है, या फिर बाहर की कवरिंग ड्राई हो जाती है, या फिर पनीर ख़राब हो जाता है। तो कैसे हम इन सब सारी चीज़ों से बच सकते हैं वो आज मैं सिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, पनीर का टुकड़ा मैंने लिया है। ये जो पनीर का आप ब्लॉग देख रहे हैं, ये बाजार से मैंने पनीर लाया हुआ है, इसे हम स्टोर करेंगे। पर अभी जो आप ये ब्लॉग देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा है और इससे मुझे थोड़ा सा पनीर यूज़ करना है, मुझे स्नैक बनाने में यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा जो ब्लॉग का पार्ट है वो काट लेती हूँ स्नैक बनाने के लिए, और बाकी का जो पार्ट है वो हम यूज़ करेंगे उसको स्टोर करने के लिए। तो बाकी के पार्ट को हमें स्टोर करना है। तो ये देखिए, इसको हम यूज़ कर लेंगे स्नैक में, और ये जो पनीर बचा हुआ है इसे हमें स्टोर करना होगा। तो स्टोर करने के लिए बहुत कुछ आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक एयरटाइट कंटेनर चाहिए और चाहिए होगा पानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ग्लास का कंटेनर लिया हुआ है। तो ग्लास का कंटेनर आप ले लें विद लिड। तो इसमें हम रख देंगे चीज़ के ब्लॉक को। चीज़ का ब्लॉक रखने के बाद में इसमें हम पानी डालेंगे, नॉर्मल वाटर का यूज़ कर रही हूँ मैं। और पानी हमें इतना यूज़ करना है, इसमें पानी भर देना है, अंदर कंटेनर के अंदर इतना भरना है कि जो चीज़ का ब्लॉक आप देख रहे हैं, जो कॉटेज चीज़ है, ये अच्छे से डूब जाए। अगर ये पानी के कांटेक्ट में से हट जाएगा तो इसमें के अंदर फंगस डेवलप हो जाएगी, और जो भी सरफेस पानी से बाहर रहेगी वो ड्राई हो जाएगी। तो पानी के अंदर पूरी तरीके से इमर्स कर देने से ये फ़ायदे होंगे कि ना तो जो कॉटेज चीज़ है, पनीर है, वो ड्राई होगा, और ना ही ये फंगस इसमें लगेगी, ख़राब नहीं होगा। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि हर दूसरे दिन आपको इसका पानी चेंज करना होगा। इसको आप फ्रिज में रख दें और हर दूसरे दिन इसका पानी चेंज कर दें, ढक्कन अच्छे से लगा दें इसका, आप बिल्कुल इसको एयरटाइट कर दें, बिल्कुल बंद कर दें, और उसके बाद में आप इसको फ्रिज में रखते हैं। हर दूसरे दिन आप इसका पानी चेंज करते रहें तो आप देखें कई दिनों तक आपका पनीर चल जाएगा। अगर आप स्नैक के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो हम अक्सर होता है कि हम थोड़ा थोड़ा करके पनीर यूज़ करते हैं और एकदम से सारा पनीर नहीं यूज़ हो पाता, तो उसके लिए पनीर का ये मेथड बहुत अच्छा है। कभी कभी मार्केट से भी पनीर ज़्यादा आ जाता है तो हम सोचते हैं कि क्या किया जाए, कैसे इसको स्टोर किया जाए, ख़त्म नहीं हो पाता। तो आप ये मेथड हमारा फॉलो करके देखिए, आप देखिएगा आपका पनीर बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरा ये पनीर स्टोर करने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। अपने घर में आप ज़रूर आजमा के देखिए ये तरीका। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस मेथड को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक रखिए आप अपना ख्याल। बाय।